नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने बड़ा बजट पेश किया। आपको बता दें कि 15 अरब का ये बजट पेश किया गया है विधान परिषद में और आलोक मेहता ने कहा है कि सभी सदस्यों ने इसकी सहमति दे दी है, सभी लोग इससे काफ़ी खुश हैं। आने वाले समय में जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको दूर करने का वो प्रयास करेंगे और इसमें 10,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी, जिसकी नियुक्ति की तैयारी भी कर ली गई है। तो चलिए, क्या कुछ खबर है और क्या कुछ कह रहे हैं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता, पहले आप वो सुने। बजट जो है विधानसभा में कल पारित हो गया था और आज विधान परिषद में यह 15 अरब रुपए का बजट जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है और उसमें पिछले दिनों जो सुधार हुए उन सभी बातों की चर्चा हुई। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और हर डोर स्टेप पे, हर दरवाजे पर इसकी आवश्यकता है। तो उनकी जो सुविधाएं हैं, उनका जो सर्विसेज है, उसको स्मूथ करने के लिए राजस्व विभाग काफ़ी प्रयासरत है और आने वाले दिनों में जितनी भी परेशानियां हैं उसको समाप्त कम करने, मिनिमाइज करने का हम लोग का प्रयास रहेगा। सर, वो कब तक हो जाएगी? ये 3 महीना में इस 10,000 जो है क्रिस्टल, जो जो स्पेशल सर्वे चल रहा है उसमें स्पेशल सर्वे अमीन, स्पेशल सर्वे कानूनगो और विभिन्न पदों पर स्पेशल सर्वे के लिए ये बहाली होगी। और यह बहाली एक्चुअली पहले शुरू हो गई थी लेकिन उसकी प्रक्रिया को बदला गया, अब ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर यह बहाली होगी और 3 महीने में इसको अंजाम दिया। कितने समय तक होगी सर यह? या जब तक सर्वे चलेगा, उसके बाद जब तक आगे मतलब चकबंदी चलेगी, इन तमाम चीज़ें कार्य जो उनके द्वारा कराए जाए। 3 महीने के लगभग हम इसको कंक्लूड करने जा रहे हैं। धन्यवाद। सुना आपने क्या कुछ कहना था भूमि सुधार मंत्री का। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि इस विभाग में अगर किसी को नौकरी चाहिए होगी तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, ऑनलाइन के माध्यम से इसकी एग्जाम ली जाएगी, उसके बाद नियुक्ति की जाएगी और आने वाले समय में इन सारी समस्याओं को दूर कर दी जाएगी। जो बजट पेश किया गया है उससे सारे सदस्य बहुत खुश है और सभी ने अपना मत रखा है। आगे और क्या कुछ कहना था आलोक मेहता का वो आपने सुना। तो फिलहाल के इस अपडेट में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ।